हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी ना बज गए हैं 6:30 और मैं आज हो गई हूँ लेट। आज है अष्टमी, तो अष्टमी नवमी एक ही दिन ज़्यादातर आज लोग मना रहे हैं। तो कल दशहरा है, शायद कल दशहरा होगा क्योंकि आज नवमी भी है साथ में। कुछ लोगों ने कल भी अष्टमी मनाई है गाइस। तो मैंने आज मैं लेट हो गई हूँ, मैंने तो 4:30-5:45 के करीब उठ जाती हूँ, लेकिन आज मेरे को पता ही नहीं लगा। मतलब मैं रात को सोई हूँ और सुबह 6:00 पूरे मेरी आंख खुल गई, पूरे 6:05 पे। तो मैंने जल्दी से, पहले तो मैंने उठ के जल्दी से चने तो मैंने रखी दिए कुकर में, और फिर जल्दी से शावर लेके आई हूँ। और इधर मैंने डाल दिया है घी हलवा बनने के लिए, और उस तरफ मैंने आटा डाल दिया है गूंदने के लिए। तो अभी किचन का जो सिस्टम है, थोड़ा मैं रात को यहाँ से सारा सामान वगैरह उठा के सोती हूँ। अभी सब कुछ सेटल डाउन दोबारा से करूँगी। तो अभी बनाते हैं जल्दी से हलवा प्रसाद। तो एक तरफ से मैं हलवा भूनने लग गई थी, हलवा आई मीन सूजी भून रही थी। और ना जैसे साकेत उठ के आ गया था, अपना रेडी होके बैठ गया था, होमवर्क करना था उसको। और टीवी मैंने चला दिया था, माता रानी का सीधा प्रसारण वैष्णो देवी से आ रहा था। तो ना मैंने कहा चलो इधर मैं जल्दी जल्दी से हलवा भूनी, क्योंकि आपको पता सूजी भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज के दिन तो भगवान की कृपा से बनाना भी ज़्यादा होता है हलवा, तो फिर इट टेक्स लिटिल टाइम। तो देखो यहाँ मैं ना डालने लगी हूँ ड्राई फ्रूट्स। काजू को मैं दो पार्ट्स में काट लूँगी, और किशमिश है, और साथ में मेरे पास ये ना फ्रेश नारियल पड़ा हुआ था, मैंने काट के फ्रीज करके रखा पड़ा है। मेरे को फ्रेश नारियल बहुत अच्छा लगता है गाइस, जब हम हलवा के ऊपर या खीर पे या जैसे मीठे चावल बनते हैं उसके ऊपर डालते हैं तो बहुत नाइस लगते हैं। तो ये देखिए मेरी सूजी एकदम बढ़िया से भुन गई है, और उसके ऊपर ऊपर तक घी आ गया हुआ है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वाटर एंड शुगर। इस बार मेरे पास ना एक पैकेट वाइट शुगर का पड़ा था, तो आई यूज़ डैट, क्योंकि वैसे तो वाइट शुगर मेरे घर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। तो मैंने हलवे में डाल दी, क्योंकि मैंने कहा चलो कि हलवा तो अच्छा बन जाएगा, इससे क्या टेस्टी बनता है। और एनीवेज कभी कभी यूज़ करने में कोई डर भी नहीं है, है ना। तो गर्म पानी डाल देंगे, और ये कैटल पूरी एक कम रह गई थी, फिर मैंने और भी पानी डाला था हलवा के अंदर। तो इसकी कंसिस्टेंसी, इट वाज वेरी यमी यमी, बहुत स्वाद बन गया था, क्योंकि माता रानी का प्रसाद है तो ऑब्वियसली प्रसाद बनता ही टेस्टी है। लेकिन उस दिन की एक वाइब होती है गाइस। तो जो हम चना पूरी हलवा उस दिन बनाते हैं तो टेस्टी बनता ना, अगर आप किसी और दिन बनाओगे ना तो फिर वो टेस्ट नहीं आता, चाहे कितना टेस्टी बन जाए लेकिन वो चीज़ नहीं बनती वो। तो इस नेचुरली है ना, मेरे ख्याल से ये उनका आशीर्वाद होता है माता रानी का हमारे ऊपर उस दिन का। तो हलवा हमारा हो गया डन, और अभी बारी आ गई है हमारी पूरी बनाने की। पूरी के लिए आटा मैंने आपको बताया था, मैंने मशीन में लगा दिया था, गूँ गया था बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा हाथ से सेटल कर लिया था। और चने हमारे उबल रहे हैं अभी भी, क्योंकि मेरे को ये होता है कि वो अच्छे से बॉयल हो जाए, सिम पे रख देती हूँ काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि जब हम चने बनाते हैं उनको तो टाइम लगता ही नहीं। हम भंगूर बोलते हैं पंजाबी में एक्चुअली, तो कड़ा पंगूर द प्रसाद है ना, तो उनको तो टाइम लगता ही नहीं है, वो तो जस्ट आपने ऑयल डाला और थोड़े से मसाले डाले एंड इट्स डन, क्योंकि बॉयल तो वो होते ही हैं। तो उनको मैं सिम पे अच्छे से होने देती हूँ, फिर नाइस से बन जाते हैं, एकदम नाइस गल जाते हैं। और एक इस तरफ मैं अभी कुछ पूरियाँ बना लूँगी, ताकि जब हमारी पूरी और हलवा रेडी है ना, तो जब मैं ये चने डन हो जाएंगे तो उसके बाद हम साथ के साथ ही जोत जला देंगे,
क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल जाना है और फिर अपना इनको 8:30 निकलना होता है रिधिमा और साकेत को, है ना, 8:20 हार्ट टू हार्ट। सक्षम का तो चलो 8:45 लगता है स्कूल, है ना। फिर मुझे ये है कि इनके स्कूल जाने के पहले पहले मेरे सारे काम डन हो जाएं और बच्चे हमारे साथ पूजा में शामिल हो जाएं। तो थोड़ी सी पूरियां बना के मैंने इस तरफ जल्दी से भंगूर बनाने की तैयारी कर दी चने की। और मेरे से कड़छी आज स्टील की ले ली गई है गलती से, क्योंकि रश था कि काम जल्दी जल्दी निपटाना है, तो मैंने ये ना उसमें डाला हुआ था कुकर के अंदर इस कड़छी को, क्योंकि चने निकालने के लिए यही यूज़ कर, वैसे मैं पूरी वाला यूज़ करती हूँ चने निकालने के लिए, है ना, क्योंकि वाटर स्ट्रेन होता जाता है और चने इसके अंदर आ जाते हैं बड़े अच्छे से। लेकिन अभी ये इधर बिजी थी तो आई टुक द स्टील वन एंड सो पूरी इधर थोड़ी बहुत बन रही थी, और साथ के साथ ये भी मेरे साथ हेल्प करने के लिए आ ही गए थे। और अभी हम अपने बना लेंगे यहाँ पर चने, फिर हमारा सारा प्रसाद जब रेडी हो गया तो हम चलते हैं पूजा करने के लिए। आपको भी साथ लेके चलूँगी मैं मंदिर में। तो चने बनाने के लिए मैंने ना इधर से कढ़ाई से ही ऑयल गर्म था वो ही डाल दिया, और साथ में डाल दी हल्दी, अच्छे से हल्दी डाली क्योंकि कलर सा आ जाता है बहुत अच्छा वाला होता है उसका। और ऊपर से डाल लूँगी ज़ीरा डाल दिया हुआ था ऑयल में मैंने, और ये है चने अपने। चने डाल के इनको थोड़ा सा भून के फेसन पे रख देंगे तो ताकि वो मसाले में अच्छे से कोटेड हो जाएं और फिर टेस्टी टेस्टी चने बन जाएं। हमारे चने, हलवा और काफ़ी सारी पूरियां भी बन गई थी। अभी थोड़ी सी और बना के मैं इनके साथ, इनको कहा आप फ्राई करो जल्दी जल्दी से, मैं बेल बेल के निकालती हूँ क्योंकि फिर हमने जो अपना कंजक देनी होती है ना, कंजकों की पूरियां मैं पहले से ही निकाल के सूची रख देती हूँ, है ना, फिर सबको अपना अलग अलग डिब्बों में डाल के रख दूँगी सबके लिए, और फिर उसके बाद हम अपना पूजा करेंगे। और यहाँ पे रिधिमा मैडम लगी हुई है मेरी हेल्प करने के लिए। मैंने उसको कहा सारे बॉक्सेस ओपन करके अलग अलग करके रख और फिर हम इसके अंदर प्रसाद डालेंगे, है ना। तो इधर हमने वैष्णो माता का आईपैड पे लगा लिया क्योंकि साकेत को टीवी चाहिए था गाइस, उसको सुबह टीवी चाहिए ही चाहिए। और ये हमारी पूरियाँ, और आइए हम निकालते हैं जोत जगाने के लिए प्रसाद। एक प्लेट माता रानी जी के नाम की मैंने लगा दी है बहुत सुंदर सुंदर सी, और अभी चलते हैं हम मंदिर में और करेंगे अब जय जय। बच्चों को भी मैंने आवाज़ लगा दी है कि जल्दी रूम के अंदर आ जाओ और चलो जो जलाएं और माता रानी से आशीर्वाद लेंगे। रसी जग जग निमज रिंगाओ, असुरों ने देवों को सताया, तुमने रूप धरा महामाया, उसी रूप के दर्शन चाहूं, आरती जग जग निमज रिंगाओ, मरक बीज मत अपने भगतों के काज सवारे, मैं भी तेरा दास कहूं कि बांसी इस दिन प्रेम की जोत जला। दिस इज प्रसाद, हमने अभी भोग लगा दिया माता जी को और आरती कर ली है, और अभी मैं कंजके निकालूंगी पर पहले बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पूड़ियां बना के रखी पड़ी हैं, रिधिमा को देंगे सबसे पहले कंजक हम और फिर रावया के निकालेंगे। ओके और ये ना कुछ चॉकलेट्स लेके आई थी मैं बच्चों को बांटने के लिए मंदिर में, मैंने कहा चलो कंजकों को साथ में चॉकलेट्स दे देंगे और उनकी दक्षिणा तो चलो होती ही है,
तो बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें देख के, है ना। उनको पूरियां वगैरह तो उनके घर पे भी बनती ही हैं एक्चुअली, पर ये चीज़ें देख के बच्चे ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मंदिर के बाहर ना बहुत सारी बड़ी सी ग्राउंड है, यहाँ पर इन्होंने एक टेंट लगा दिया अलग से दिस टाइम, और शुक्र है कि बारिश नहीं थी उस दिन। तो उस टेंट, वैसे तो टेंट था लेकिन थोड़ा सा सही रहा, धूप धूप वगैरह थी तो बच्चों को भी आसानी रही होगी और माओं को भी। यहाँ पर ना बहुत सारी मॉम्स अपने बच्चों को लेके आ जाती हैं लाइक गर्ल्स को, तो फिर वो वहाँ पर बैठ के अपना खंजके ले लेते हैं। उसके बाद हम मंदिर आ गए, मंदिर ऊपर जैसे अपस्टेज है तो माथा टिका, भगवान जी से आशीर्वाद लिया, माता रानी से आशीर्वाद लिया, और मैंने यहाँ पे पढ़ी थोड़ी सी रामायण, विच इज़ माय फेवरेट पार्ट ऑफ द डे। मैं जब भी मंदिर में कंजक देने जाती हूँ तो मैं रामायण ज़रूर पढ़ के आती हूँ। भोग पढ़ने वाला था, लास्ट टू पेजेस वर लेफ्ट, मैंने एक ही पढ़ा। पंडित जी कहते सारे तो नहीं पढ़ती, मैं कहा नहीं पंडित जी, मैंने सिर्फ एक ही पेपर पढ़ा, क्योंकि मुझे पता था कि भी जब भोग पढ़ता है तो फिर तभी वो लास्ट वाले पेज पढ़ते हैं। तो ना मंदिर में हमने कंजके दे दिए हैं और अभी हमने यहाँ से माथा टेक के और अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। और ना गाइस ये देखो हमें कितनी अच्छी चीज मिली है, भगवान जी हमारे घर आए। देखो भगवान विष्णु जी का, भगवान कृष्णा का कितना अच्छा बड़ा रूप है, जो वो अर्जुन को जब गीता का उपदेश देते हैं तो वो कहते हैं हमें, मतलब भगवान जी को, कि मुझे अपना आप भव्य रूप दिखाओ कि जिसमें आपके सारे रूप हों। तो वो जो कृष्ण जी जो रूप दिखाते हैं उस रूप की वो हमें मंदिर में फोटो मिल गई, तो वहां पर रखी हुई थी ऐसे ही किसी ने। तो हम बाहर आ गए थे, ये कहते कि मंदिर में बड़ी अच्छी फोटो पड़ी हुई है, लेनी है। मैं कहा कौन सी है, देख लेते हैं जाके। जब जाके देखा तो मतलब इतनी प्यारी मूर्ति भगवान जी की ना, मन को मोगी। मैंने कहा नहीं लेके जाएंगे, रिद्धिमा ने सास में ही उठा ली। देखो बाकी मैं आपको घर जाके अच्छे से दर्शन कराती हूँ भगवान जी का। तो गर्ल्स यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।